नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आज एक नए टॉपिक की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं हमारे चैनल पे। इससे पहले मैंने इंडियन आर्मी, CASF, ITBP ऑलमोस्ट जितने भी डिफेंस के डिपार्टमेंट हैं सबके लिए ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा चुका हूं, सबकी वीडियोस दे चुका हूं। आज एक नया टॉपिक है, वो है टेरिटोरियल आर्मी कि इसको ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है। दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन जो है आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ बात यह होती है कि इसका फॉर्म कब निकलता है तब जाके आप लोगों को अप्लाई का ऑप्शन आता है, लेकिन उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं वेट कर रहा था कि कब इसकी जो वैकेंसी है वो निकले और मैं आप सबको इसकी जो है अपडेट दूं और उसी के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना भी सिखाऊं, लेकिन अभी इसकी वैकेंसी में थोड़ा टाइम है। जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है करना वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है जो आपको परमानेंट चाहिए बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई वो बनाना आप सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए मैं आप सबको यहाँ पे सिखा देता हूं कि किस तरह से आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ता है। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की एक बैकएंड टीम होती है। आपको अगर आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको युद्ध लड़ने का, वार लड़ने का मौका नहीं दिया जाता। टेरिटोरियल आर्मी एक आप कह सकते हैं होम फोर्स होती है। आपको क्या होता है, इमरजेंसी के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कभी भी इंडिया, पाक या किसी भी कंट्री के साथ हमारी वार लग जाती है तो जब हमारी इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस जो है बॉर्डर पे चली जाती है वार के लिए, तब टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत पड़ती है और तब वो पीछे से जो कंट्री का माहौल होता है, ऑफिसेस होते हैं आर्मी के, उनको संभालती है। ठीक है, ये चीज सबसे जरूरी अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। इसी के साथ इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एज लिमिट अच्छी खासी इसमें मिल जाती है, 18 साल से लेके 42 ईयर तक लोग इसमें ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो एंट्री होती है वो आपको दो लेवल पे मिलती है, एक होती है 10th पास, एक होती है ग्रेजुएशन पास। दोनों की एज लिमिट सेम रखी जाती है, दोनों में आप जो है 18 से 42 साल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, उसकी 18 से आप 40 साल लेके रखिए, लेकिन ग्रेजुएशन 18 से 42 साल जो है वो है। ठीक है, तो जो 10th पास वाली है वो 18 से 40 की 18 से 42 होगी। कोई बात नहीं, जब उसका भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। फिलहाल आज हम जो है सीख लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है वो कैसे की जाती है। तो इसके लिए सबसे आप पहले आप सबको देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट पैदा होगा कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, कि मेरी जो हाइट है क्या वो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मेरी जो आप कह सकते हो चेस्ट है या फिर एवरीथिंग जो भी है फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, इसके लिए बहुत सारे लोगों को डाउट पैदा होते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो तब आप लोगों को ये डायरेक्ट वहां पे हाइट भी मांग लेता है, चेस्ट भी मांग लेता है, सब कुछ वहां पे आप लोगों को मांग ली जाती है। तो अगर आप लोगों की हाइट या चेस्ट वगैरह एलिजिबल नहीं हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को सबसे पहले कहां जाना है, ज्वाइन indianarmy.nic। ठीक है, तो मैं यहां पे सिंपल आपको गूगल से सर्च करके दिखाता हूं, मैं ऐसे निकाल सकता हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहां पे ज्वाइन इंडियन आर्मी जो है वो सर्च किया। उसके बाद ये है वो वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, इस पे आप सबको जाना है। एक और मैं सबसे जरूरी बात आप सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएट वाले हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वही लोग इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात 10वीं पास के लिए, तो दोस्तों 10वीं पास की जो पोस्टें होती हैं वो ऑफलाइन निकलती हैं, जो कि अभी कुछ ही देर में अपडेट जो है आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट उसका भी दे दूंगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से कोड मांगता है और यहाँ पे आपको एंटर करना होता है कोड और एंटर कर देना होता है। तो इसमें दोबारा से एक बार कर देता हूँ, थोड़ा मेरा नेट स्लो है। और भी कुछ आपको मैं बातें बताना चाहता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप सोचते हैं कि इंडियन आर्मी से कोई फर्क है तो वैसा बिल्कुल नहीं है, सेम ये भी इंडियन आर्मी की तरह है। सिर्फ यही फर्क था कि ये आप होम कंट्री के लिए फोर्सेस कह सकते हैं कि आपको
बैकएंड रखा जाता है, एक बैकअप फोर्स आप कह सकते हैं। चलिए तो यहां पे दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो यहां पे आप लोगों को यहां पे ऑफिसर पे क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। यहां पे आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपने यहां पे क्लिक कर देना है। चलिए जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पे ये कंटिन्यू का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, आपने यहां पे क्लिक करना है। जी जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये आपसे सबसे पहले मांगता है आपका आधार कार्ड नंबर, जो कि मैंडेटरी है। फिलहाल अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे, एक गलत आधार कार्ड नंबर यहां पे डाल दीजिए, जैसे कि मैं 1234 1234 1234, ये आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। चलिए कैंडिडेट नेम मुझसे पूछ रहा है यहां पे, तो ये देखिए मैं यहां पे अपना नाम जो है बड़े अक्षरों में दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों पापा का नाम, गार्डियन नेम जो भी आपके हैं, तो यहां पे मैंने नाम दे दिया विक्रम कुमार। मदर नेम पूछ रहा है तो यहां पे मैंने दे दिया रानी देवी। चलिए डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछ रहा है तो यहां पे मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे देता हूं। ये हो गया वो 1 तारीख। चलिए उसके बाद ये ईमेल एड्रेस मुझसे पूछ रहा है तो यहां पे दोस्तों यहां पे मुझे देनी है अपनी ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी पासवर्ड अपना ध्यान से याद रखिएगा ताकि आप लोगों को कल कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे एक मोबाइल नंबर, ये मैं एक डमी मोबाइल दे रहा हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहां पे टिक लगाना होता है और दोस्तों आप लोगों को सबमिट जो है वो कर देना होता है। चलिए सबमिट करने के बाद ये बोलता है इनवैलिड आधार कार्ड। जी हाँ, क्योंकि मेरा आधार कार्ड नंबर गलत था तो मैं इनको बोलूंगा कंटिन्यू, बाद में हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी ईमेल आईडी पे हमने ओटीपी भेज दिया है। अब मुझे जो मैसेज आया है मेरी ईमेल आईडी पे तो वो मुझे यहां पे दोस्तों एंटर करना है। चलिए तो फिलहाल अभी मुझे यहां पे ये जीरो मैसेज बता रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये मुझे ईमेल जो कोड है वो आ गया है, वेरिफिकेशन कोड। चलिए तो ये देखिए यहां पे ये 9215 आ गया ना, तो ये कोड अब मुझे क्या करना है, यहां पे एंटर करना है दोस्तों। तो यहां पे मैंने एंटर किया और सबमिट किया। दोस्तों ईमेल आईडी अपनी ही यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद दोस्तों अब मुझे आगे जो है वो बढ़ना है और यहां पे सब कुछ जो है वो डालना है। तो जेंडर यहां पे मेल, सिलेक्ट मैरिटल, अनमैरिड, और इसके बाद यहां पे मैट्रिकुलेशन, 10th का जो मेरा मार्कशीट नंबर है वो स्टेट बोर्ड कौन सा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, ठीक है। तो यहां पे ये पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी स्टेट कौन सी है, वो जम्मू एंड कश्मीर है। और उसके बाद ये मैट्रिकुलेशन नंबर 1234569 87 मतलब सिंपल सा मैंने दे दिया यहां पे। और उसके बाद दोस्तों ये मैं यहां पे ग्रेजुएशन, मैंने बोला था आपको ग्रेजुएशन वाले ही कर पाएंगे, तो यहां पे मैंने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया और पास, और यहां पे एनरोलमेंट नंबर, ये अभी मेरे पास नहीं है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों यहां पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कल को अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो ये आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट आंसर देके कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट जॉब, तो फर्स्ट जॉब मेरी जम्मू में, ये मैंने दे दी। और आपकी मर्जी है, आप जो भी आंसर क्वेश्चन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप किसी का नाम, जैसे रोहित #123# लगा लो, एक स्पेशल करेक्टर, जैसे ये आईडी है तो @ है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे एक जो पासवर्ड है वो सेट कर देता हूं। ये हो गया, और इसके बाद 8944249, ठीक है। और यहां पे अब मैं इसको जो है सेव कर देता हूं। देखते हैं, इसमें एरर बहुत ज्यादा आता है तो आपने घबराना नहीं है, बार बार आप अप्लाई करते रहिएगा। चलिए ये हो गया दोस्तों। चलिए यहां पे मैं नेवर, अब देखिए अब मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, तो मैंने टेरिटोरियल आर्मी के लिए बताया था, तो ये देखो यहां पे अप्लाई ऑनलाइन है ना,
यहाँ पे कर देते हैं हम अप्लाई ऑनलाइन। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मुझे पूछ रहा है, यहाँ पे अपनी डिटेल है, तो ये पास वगैरह मेरा सारा कुछ है, तो यहाँ पे ये मुझे अभी बता रहा है कि मैं इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हूं, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी लिखा है ना, यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल, तो टेरिटोरियल आर्मी और ये है 18 से 42 साल एज दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी जो एप्लीकेशन है वो अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही ये ऑनलाइन स्टार्ट होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिल सके, ज्यादातर मैं डिफेंस के अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ दोस्तों, पूरा प्रॉपर मैं आप लोगों को जो है गाइड करूंगा। तो फिलहाल अभी हम चलिए रजिस्ट्रेशन जो इसकी है वो कंप्लीट करते हैं, अप्लाई तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन डिटेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं सिंपल आपने अपना एड्रेस जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप लोगों ने लिखना है, तो मैं सिंपल सा एक एड्रेस जो है जैसे ये सतवारी जम्मू लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आगे ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरी स्टेट कौन सी है, तो जम्मू है, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मेरी जम्मू है, और पिन है तो पिन 80010। अब यहाँ पे आपने टिक लगा देनी है जिनका सेम एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर यहाँ पे टिक मत लगाइएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस होता है जहां पे ये आपको कॉन्टेक्ट कर पाए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पे आपको ये कॉन्टेक्ट कर पाए, परमानेंट एड्रेस जहां पे आपका अपना घर हो, आप वहां पे रह रहे हैं नहीं रह रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपका परमानेंट जो आपके डॉक्यूमेंट पे चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, तो इसी तरह से मतलब आपने ये देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। तो बस दोस्तों अब जैसे ही इसकी ऑनलाइन भर्ती आएगी आपको यहाँ पे जो मैंने बताया माई अप्लाई ऑनलाइन पे, आपको जो है यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो वेट कीजिएगा जैसे ही ये ओपन होगी आप कर लीजिएगा। मैं आपको ना कोशिश करूंगा पिछले जो साल की अपडेट आया था वहां से इंफॉर्मेशन देने की बहुत जल्दी, ताकि आप लोगों को जो इसकी डेट है वो पता चल सके और आप मिस ना करें इस भर्ती को। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी 10वीं पास के लिए मैं बहुत जल्दी अपडेट आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो 18 से 40 एज वाले लोग हैं वो भी आर्मी को अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सके दोस्तों। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। हम भारतीय हैं, फीलिंग हमारे दिल में स्टार्टिंग से है, तो इसलिए दिखाइए कि आपके दिल में कितना लोगों के लिए प्यार है, शेयर कीजिए जितना हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हमारा एक नया चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं गवर्नमेंट जॉब को एनालाइज करता हूँ कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, और कुछ अपनी पर्सनल बातें एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आपको देता हूँ, तो उसका नाम है साजन एनालिसिस, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा फास्ट अपडेट पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?